हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने वाली हूं जो आप अक्सर सोते टाइम कर जाते हैं और नुकसान आपके बच्चे को भुगतना पड़ता है। ये गलतियाँ जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक अगर आप गलतियाँ करते आ रहे हैं तो अब आप इनको बंद कर दें, जिससे कि आप टाइम चलते उन गलतियों को सुधार पाएँ और अलर्ट हो पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा बेबी चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए। आगे आपकी डिलीवरी होने वाली है, बेबी आएगा, तो आपको बेबी केयर से रिलेटेड टिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस चैनल पर आपको सारे टिप्स मिल जाएंगे। तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि प्रेगनेंसी में सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही ज़रूरी है सही पोजीशन। अगर आप प्रेगनेंसी में सही पोजीशन में सो रहे हैं, सही तरीके से सो रहे हैं, तो बच्चे के विकास पर इसका सीधा असर पड़ता है। कोई गलती आप नहीं करेंगे तो बच्चे का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं अनजाने में जो आपको पता नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो है कि कभी भी आपको पेट के बल नहीं सोना चाहिए। ये सबको पता होता है, लेकिन जो पहली बार माँ बनती है उनको ये पता नहीं होता है कि जैसे उनकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उनको पेट के बल सोना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये शुरुआती प्रेगनेंसी में ये जो महिलाएं होती हैं वो ये गलती कर जाती हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो अब आप ये गलती ना करें। दूसरी जो गलती होती है फ्रेंड्स, वो होती है कि एक ही करवट आपको पूरी रात नहीं सोना है। जैसे कि कई महिलाओं को दाएं करवट सोना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो कंफर्टेबल फील करती हैं। तो आपको फ्रेंड्स पूरी रात एक ही दाएं करवट में आपको नहीं सोना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट करवट सोना चाहिए। लेफ़्ट करवट सोने से प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। लेफ़्ट करवट सोने से बच्चे तक भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पहुँचते रहते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन भी सही रहता है, सही तरीके से बच्चे ऑक्सीजन भी पहुंचता है। एक और फ़ायदा होता है लेफ़्ट साइड करवट सोने का, कि आपको हलचल भी ज़्यादा महसूस होगी। बहुत सी लेडीज़ की शिकायत होती है कि मुझे हलचल नहीं हो रही है, मैं क्या करूं, तो आप लेफ़्ट करवट सोइए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हलचल फील होने लगेगी। इसके साथ ही आपसे जो गलती हो जाती है पीठ के बल सोने की, कई महिलाएं पूरी रात जैसे कि अगर आप पीठ के बल सोती रहती हैं तो ये भी आपकी एक गलती हो सकती है। पीठ के बल सोना प्रेगनेंसी में सही नहीं माना जाता है जब से आपका चौथा महीना लग जाता है। जैसे ही आपका चौथा महीना लगता है आपको पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। पीठ के बल सोने के बहुत से नुकसान होते हैं। एक तो जो गर्भाशय और आपके बच्चे का सारा वजन होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, और रीढ़ की हड्डी पर जब दबाव पड़ता है तो इसके साथ ही क्या होने लगता है, आपकी पीठ और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ने से पैरों तक सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाता है, जिस वजह से आपको पैरों में दर्द और सूजन की समस्या हो सकती है। इसलिए अगर आप अभी पीठ के बल ज़्यादा सोती आ रही हैं तो आप इस आदत को बिल्कुल चेंज कर दीजिए। आप पीठ के बल ज़्यादा नहीं सोइए, लेफ्ट करवट ही आपको सोना चाहिए। इसके साथ नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होती है कि सोते टाइम आपको ज़्यादा टाइट कपड़े पहनकर नहीं सोना चाहिए। कम से कम सोते टाइम तो आपको लूज़ कपड़े पहनकर सोना चाहिए, जिससे आप रिलैक्स रहें, कंफर्टेबल फील करें। और ये नहीं कि आपका पेट कस रहा है, बॉडी एकदम कसी हुई है और कसे हुए कपड़े आप पहने हुए हैं, ज़्यादा मोटे कपड़े आप पहने हुए हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। सोते टाइम आपको सॉफ्ट कॉटन के और रिलैक्सेबल ढीले ढाले कपड़े ही पहनने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट गलती जो होती है कि जब आप सोती हैं तो जब आप करवट चेंज करती हैं तो झटके से कर जाती हैं कोई भी चीज़। ऐसे में क्या होता है कि अगर आप राइट करवट लेकर सो रही हैं तो बच्चा राइट साइड चला जाता है, और आप झटके से करवट चेंज कर लेती हैं लेफ्ट साइड, तो इससे बच्चा एकदम से डर जाता है। आप ही सोचिए, जब अचानक से आप सो रही हैं और कोई दाएं साइड, आप जैसे कि राइट साइड सो रही हैं, कोई आपको झटके से घुमा के लेफ्ट साइड कर दे तो आपको कैसा फील होगा। और आपकी इस गलती से क्या होगा कि बच्चे के गले में गर्भ नाल भी लिपट सकती है। झटके से आप कुछ भी करवट ले रही हैं प्रेगनेंसी में, इससे आपको नुकसान हो सकता है, बच्चा भी गर्भ में डर सकता है, सहम सकता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी प्रेगनेंसी में आप सोती हैं तो झटके से रात में करवट ना लें, हल्के से घूम कर ही आपको करवट लेनी चाहिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकती हैं, जो कि स्पेशली बहुत सी लेडीज से ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो इन गलतियों को आप आज ही सुधार लीजिए, इससे क्या होगा, सीधा इफेक्ट आपके बच्चे पर पड़ेगा। अगर आप इन गलतियों को सुधार लेती हैं तो बच्चे का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा, बच्चे के विकास में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आप इन बातों को ज़रूर मानेंगे।
तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।